शो आपका स्वागत करती हूँ हैजी न्यूज में। 300 रुपए कमाने वाले दिहाड़ी मजदूर को अभी इनकम टैक्स वाले की तरफ से एक नोटिस आया है और वो नोटिस है 1,25,00,000 रुपए का। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। मुंबई के कल्याण से हमारे सामने ये खबर आ रही है जहाँ पर भाव साहेब नाम का एक शख्स रहता है। वो एक्चुअली डेली 300 रुपए कमा लेता है और उसकी आमदनी ही इतनी है। उसकी एक बीवी है, 3 बच्चे हैं और उसके खुद के एक घर तक नहीं है। वो अपने ससुर की झुग्गी में रहता है अपने परिवार के साथ और छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा चलाता है। जब आप लोगों को पता है कि जब नोटबंदी जब हुई थी तब उस दौरान काफी सारे बैंक में अलग अलग पैसे आ गए थे और इस दौरान काफी सारे लोगों को परेशानी भी हुई थी। तो बाहू साहब के अकाउंट में भी 58,00,000 रुपए आ गया था, जबकि उसने बैंक वालों से बातचीत करके सबसे बातचीत करके इस चीज को सॉल्व कर दिया था। अभी फिर दोबारा से उसके ऊपर एक बड़ा वाला नोटिस आया है। वो नोटिस इनकम टैक्स से आया हुआ है। वो नोटिस 1,05,00,000 रुपए का है और वो बोला गया है उस नोटिस में कि उसका उसके बैंक में काफी बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हुए हैं और उसने अभी तक टैक्स नहीं भरा है। अगर वो टैक्स नहीं भरता है तो उसके इनकम टैक्स के जरिए वो लोग कैसे ना कैसे करके वसूली कर लेंगे। इसके ऊपर वो काफी ज्यादा टेंशन में है। उसने अभी इनकम टैक्स वालों से बात करने की भी चाहिए पर वहां पर कोई भी उसकी बात सुन नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोला जा रहा है कि वो इस इतने बड़े अमाउंट का भुगतान करे और उसके बाद अपना जो क्लीन चिट है वो ले जाए। और उसके बाद जब हमने उससे शख्स से बात की जो कि 300 रुपए कमाता है, दिहाड़ी मजदूर है, तो उसने ये चीज बोला कि उसने 1,00,000 रुपया भी एक साथ कभी देखा नहीं है और ये इतना बड़ा अमाउंट टैक्स वो कैसे भर सकता है। तो गाइस आपको लगता है क्या, आप लोगों ने काफी सारी ऐसी न्यूज सुनी होंगी, ऐसे सारे ऐसी खबरें सुनी होंगी जिससे आपको पता चलता है कि काफी सारे मतलब कि भिखारी भी बहुत कम मतलब कि ऐसे दिखते हैं जिनके पैरों में चप्पल होती है पर वो करोड़पति होते हैं। वो अंदर ही अंदर कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि उनको उनको लगता है कि वो बच जाएंगे, पर इनकम टैक्स जब नजर डालती है तब छिपा हुआ इंसान भी बाहर निकल जाता है और बोलना शुरू कर देता है। क्या ये अभी दिहाड़ी मजदूर सच बोल रहा है? क्या ये इनकम टैक्स से क्या कुछ गलती हुई है? कभी कभार इनकम टैक्स से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। आई होप गाइस आप लोगों को हमारे तरफ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को हमारी तरफ से जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एच डी न्यूज़।